आईरियानो, आज आप सब लोग बड़े आनंदित हैं। भगवान का जन्म हुआ, जन्म तो ऐसे ही सबको आनंद से भरता है, लेकिन जब भगवान के जन्म की बात हो तो व्यक्ति का रोम रोम हर्षित होता है। और व्यक्ति ही नहीं, पूरी प्रकृति हर्षित होती है। आज आपके नगरी में कुछ ऐसा ही परिलक्षित हो रहा है। कल और आज के वातावरण में जमीन आसमान का अंतर दिख रहा है। भगवान का जन्म हुआ और हम लोग उस जन्म महोत्सव से आनंदित हैं, स्वाभाविक है। भगवान का जन्म उनका अंतिम जन्म है और ये जन्म उनके नहीं, सारे जगत के कल्याण के लिए हुआ। हम आप सबके कल्याण के निमित्त प्रभु का जन्म हुआ तो हमारा आनंदित होना स्वाभाविक है। लेकिन भगवान का जन्म कल्याणक मनाकर हम अपना कल्याण करें, ये संभव नहीं है। भगवान के मार्ग का अनुसरण करें तो हमारे कल्याण में संशय नहीं। आवश्यकता भगवान के मार्ग के अनुसरण की। आज चार बातें मेरे मानस में उभर रही, जन्म, जीवन, संस्कार और सार्थकता। हमें आप सबको जन्म मिला। जन्म कोई साधारण घटना नहीं है, बहुत कठिनाइयों से हम सबका जन्म होता है। 9 माह तक माँ के पेट में रहते हुए प्रसव की पीड़ा सहने के बाद हम जन्म ले पाते हैं। और उस जन्म में जिसका जन्म हुआ वह तो अबोध होता है, हो सकता उसे अपने कष्टों की अनुभूति ना हो, लेकिन जिसने जन्म दिया उसके कष्टों की हमें कोई कल्पना नहीं होती। आज हम विचार करें भगवान के जन्म कल्याणक के इस अवसर पर, जिनके जन्म लेते ही सारा संसार आनंदित हो उठता है। गुरुदेव ने इस बात को अपने एक छोटे से हाइकू में बहुत अच्छे से रेखांकित किया। एक दिशा में सूर्य उगे की दसों दिशाएं खुश, एक दिशा में सूर्य उगे की दसों दिशाएं खुश। सूरज एक दिशा में उगता है और दसों की दसों दिशाएं खुश हो जाती। भगवान का जन्म सारे लोक को आनंद से भर देने वाला है, लेकिन जिन भगवान का जन्म हुआ उस जन्म को देने वाली माँ और उनके पिता का महत्व कभी कम नहीं हो सकता। अगर भगवान को जन्म देने वाली माँ नहीं होती, उनके पिता नहीं होते, तो क्या आज हमें भगवान के दर्शन होते हैं? बिना प्राची के सूरज नहीं उग सकता, बिना माता पिता के किसी का जन्म नहीं हो सकता। मैं आज इस जन्म कल्याणक के अवसर पर आपसे कह रहा हूं, अपने जन्मदाता को याद करो। मैंने जन्म, जीवन, संस्कार और सार्थकता की बात की। हमने जन्म लिया, कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम जन्म पाए। दुनिया में ऐसे अनेक लोग हैं जो पेट से ही परलोक पहुंच जाते हैं या पहुंचा दिया जाता है। बहुत से जीव
ऐसे अभागे जी जो पेट से ही परलोक पहुंच जाए, आज के युग में तो पहुंचा दिया जाता है। कल इस संदर्भ में मैंने आप लोगों से बात की थी, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें जन्म लेने का सुअवसर मिला और ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने अपने सुखों का त्याग करके हमें जन्म दिया। कभी कल्पना कर सकते हो? काश यदि तुम्हें जन्म देने के पहले ही तुम्हारी माँ ने तुम्हें पेट से परलोक पहुंचा दिया होता तो तुम्हारा क्या होता? कल्पना करो। और ये तो प्रयोग द्वारा होता है, परिणाम द्वारा भी ऐसा होता है। हमारे शास्त्रों में जो वर्णन मिलता है वो रोंगटे खड़े कर देने जैसा है। सचखंडागम में एक प्रसंग आया कि कोई देव पर्याय से मनुष्य हुआ, भवनवासी बेंतर ज्योतिषी देवों से, मां के पेट में आया और 7-8 अंतर मुहूर्त में मरकर वापस वहीं चला गया। इतनी अल्पायु वाला सौधर्म एहसान स्वर्ग का देव आया, 7-8 दिन में ही वापस वहीं चला गया। ऊपर के स्वर्ग का आया लांतों का पिष्ट तक का, 7-8 पक्ष में वापस चला गया। और ऊपर का आया 7-8 महीने में ही माँ के पेट से वापस वहाँ की आयु बांध कर चला गया। और आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, अनुत्तर विमान के देव जहाँ केवल सम्यक दृष्टि ही होते हैं वो वहाँ से आए, 8 वर्ष के महीने आयु लेकर आए और 8 वर्ष की आयु में मुनि बनकर वापस वहीं चले गए मरकर। इतनी अल्प आयु। मैं आपसे कह रहा हूं कि कई जीव ऐसे होते हैं जो पेट से ही परलोक पहुंच जाते हैं, वे अभागे हैं। हम आप इस धरती के उन भाग्यशाली लोगों में शामिल हैं जिन्हें जन्म लेने का सुअवसर मिला है, है कि नहीं भाग्यशाली? और यह भाग्य किसके कारण जगा? जिन्होंने हमें जन्म दिया उसके कारण। कौन है हमारे जन्मदाता? माता पिता। कभी मन होता है अपने माता पिता के प्रति श्रद्धावनत होने का कि उन्होंने कितने कष्टों और मुश्किलों का सामना करते हुए, विपत्तियों को सहते हुए हमें जन्म दिया। कई कई माताओं को तो प्रसूति के समय में जानों की भी संकट पड़ जाते और कई की जान चले जाती। क्या ये साधारण बात है? काश इसे याद करो तो पूरे जीवन उनके प्रति कृतज्ञ बने रहने का भाव होगा। और उन्होंने हमें जन्म देकर हम पर जो उपकार किया है इसे जीवन की सारी सांसें समर्पित करके भी चुकाया नहीं जा सकता। इतना बड़ा उपकार है। लेकिन मुझे तब बड़ा दुख होता है जब अपने ही जन्मदाता माता पिता की आज की ये संतान उपेक्षा, तिरस्कार और अपमान करती। न केवल जन्म पाया हमने, जन्म के साथ जीवन पाया। जीवन मिला कि नहीं? आराम से जी रहे हैं, कोई 10, कोई 20, कोई 50, कोई 80,
उससे ऊपर वाले भी यहां होंगे। ये जीवन मिला है, ये जीवन भी किसकी कृपा से मिला? अगर हमारे माँ बाप ने हमें जन्म देकर हमारा संरक्षण नहीं किया होता, हमारा ठीक रीति से पालन पोषण नहीं किया होता, हमें समय पर दूध नहीं पिलाया होता, समय पर भोजन पानी नहीं दिया होता, बीमार पड़ने पर डॉक्टर को दिखाया नहीं होता, औषधि नहीं दी होती, चिकित्सा नहीं कराई होती, तो क्या आज हम जी पाते? बोलो, कितना बड़ा उपकार है, कितना बड़ा उपकार है। मान लो जन्म लेने के उपरांत उन्होंने हमें यूं ही कहीं झाड़ी में फेंक दिया होता तो हमारा क्या होता, क्या होता? चील कौवे हमसे हमारा त्यौहार मनाते और क्या होता? यही होता ना। या किसी दयालु की दया दृष्टि पड़ती तो अनाथालयों में पल रहे होते और क्या होता? कितना बड़ा उपकार है उनका कि उन्होंने हमें न केवल जन्म दिया अपितु पालन पोषण करके हमें जीवन दिया, और हमारे जीवन की खातिर अपने सारे सुखों का त्याग किया, खुद गीले में सोकर हमें सूखे में सुलाया। कभी कल्पना करते हो कितना कठिन कष्ट सहा उनने और कितने कठिनाइयों से हमें पाला है। आज जब कोई नौ दंपति अपने बच्चों को लेकर मेरे पास आते हैं ना, तो मैं तो उनसे यही कहता हूं, इस बच्चे को पालते समय एक ही बात सोचना कि मेरे माँ बाप ने मुझे कितनी कठिनाइयों से पाला होगा, कितनी कठिनाइयों से पाला होगा। काश हम इस बात को समझें तो हमारे जीवन दाता कौन है? बोलो थोड़ा जोर से। अभी जन्म कल्याणक में आपने देखा, भगवान के जन्म कल्याणक में इंद्र आया और भगवान के माँ बाप का सत्कार किया। क्यों किया, क्यों किया? मतलब तो भगवान से था, लेकिन माता पिता ना हो तो भगवान कहाँ से आएंगे? माँ ना हो तो बेटा कैसे आएगा? अगर मरुदेवी ना हो तो नाभि राय कहाँ से आएंगे? ये बहुत बड़े गौरव की बात है। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं, नारी तो नारायण की जननी है, मां के बिना भगवान भी जन्म नहीं ले सकते। जीवन दिया, कितना बड़ा उपकार। और जीवन ही नहीं दिया, पैदा करके अगर हमें म्युनिसिपैलिटी के भरोसे छोड़ दिए होते तो क्या होता? हमें ठीक से पढ़ाया लिखाया नहीं होता तो हमारा क्या होता? हमें अच्छे संस्कार नहीं दिए होते तो क्या होता? बोलो क्या होता? आवारा अपराधी लुच्चा लफंगा बनकर फिरते रहते, मवाली बनकर फिरते रहते और क्या होता? बोलो। आज एक सभ्य नागरिक की भांति आप जी रहे हो, यहां तक पहुंचने में कौन कारण है, किसका उपकार है, किसका उपकार है? माता पिता का है। तो जिनने जन्म दिया, जिनने जीवन दिया,
जिनने संस्कार दिया। ऐसे जन्मदाता, जीवन दाता, संस्कार दाता को याद करना ही इस जन्म कल्याणक को मनाने की सार्थकता है। उन्हें याद करो, उनकी प्रति कृतज्ञता का भाव रखो। लेकिन क्या बताऊं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज की संतान अपने माता पिता की घोर उपेक्षा करने लगी है। घोर उपेक्षा, तिरस्कार, अपमान, और ऐसी ऐसी घटनाएं आए दिन देखने और सुनने को मिलने लगी है, रूह कांप जाती है। एक तरफ लोग बड़े बड़े धार्मिक समारोहों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले लेते हैं, समाज में अपना ऊंचा स्थान बना लेते हैं, और दूसरी ओर अपने ही जन्मदाता जीवनदाता का जब तिरस्कार करते हैं तो मन मर्माहत हो उठता है। और ये भी एक विडंबना है, देश में वृद्धाश्रमों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, और उन वृद्धाश्रमों में पढ़े लिखे संभ्रांत परिवारों के माँ बाप ज़्यादा हैं, गैर पढ़े लिखे अनपढ़ और गरीब लोगों के नहीं। ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, हम किस दिशा में जा रहे हैं। जो मनुष्य इतना निष्ठुर और संवेदनहीन होगा वो कभी धर्मी नहीं हो सकता। जैसे सूखी धरती पर बोया गया बीज कभी नहीं पनपता, वैसे ही संवेदनहीन मनुष्य के हृदय में धर्म का अंकुर नहीं होता। जो अपने माँ बाप के प्रति संवेदनहीन है वो औरों के प्रति संवेदना क्या रखेगा। अपने अंतरंग में ऐसी संवेदना जगानी चाहिए। मैं आज दो तीन उदाहरण आप सबके बीच रखना चाहता हूँ। आज की संतान कैसी अपने ही जन्मदाता जीवनदाता और संस्कार दाता के समक्ष प्रति कितना क्रूर व्यवहार कर सकते हैं। मैं सम्मेद शिखर जी में था, एक माता मेरे पास आई और उसने कहा, महाराज श्री मुझे कुछ दान करना। मैंने कहा जो करना है कार्यालय में जाकर के दे आओ। नहीं महाराज, मुझे आपके ही समक्ष करना। मैंने पूछा क्या करना है। बोले महाराज हमें यहाँ 11 लाख रुपए देने। उस महिला की शक्ल देख के, उनके कपड़े देखकर मुझे लगा कि ये क्या करेगी। 200 रुपये की साड़ी पहनी थी, शरीर पर कोई आभूषण नहीं थे, फटेहाल सा जीवन था, और उस महिला ने कहा कि मैं 11 लाख रुपए का दान करना चाहती। बोले आप दान करना चाहती, अच्छी बात है, आपके पास पैसे हैं। हाँ महाराज, आप तो आशीर्वाद। मैंने पूछा कहाँ से आई, क्या करती। बोले महाराज मैं सहारनपुर से आई, उत्तर प्रदेश। क्या करती हो। बोले महाराज मैं शिक्षिका थी। परिवार में और कौन है। बोले हमारे पति देव थे, वे भी शिक्षक थे, वो नहीं रहे, मैं रिटायर हो गई, मेरी और मेरे पति की पेंशन मुझे मिलती, मैं उसी से बचा बचा करके पैसा लाई और महाराज मुझे देना। मैंने कहा अच्छी बात है। घर में और बच्चों से पूछ लिया, बच्चों का नाम सुनते ही आंखों से टप टप आंसू की धार बहने लगी। बोले महाराज उसकी मत पूछो। क्या हुआ। बोला महाराज मेरा एक ही बेटा था, मैंने उसे पढ़ाया लिखाया, वो IIT पास आउट हुआ, और महाराज अमेरिका में एक अच्छी कंपनी में उसे जॉब लगी,
मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा बेटा योग्य बन गया, अब ये आगे बढ़ेगा, इसका जीवन भी सुखी होगा, मेरा जीवन भी सुखी होगा। पर महाराज, थोड़े दिन बाद जब मैंने उसकी शादी की, शादी करने के बाद बेटे ने कहा कि मुझे अपनी कंपनी डालनी है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। महाराज, बेटे ने कहा तो मैंने अपने और अपने पति की जितनी संचित निधि थी सब उसे दे दिया कि किसी प्रकार बेटा खुशहाल हो। सारा पैसा, सारा एफडीज वगैरह दे दिए, अपने पीएफ के पैसे जो थे मिले थे, जीपीएफ सब दे दिए। महाराज, हमें और कोई जरूरत नहीं थी, बेटा है ठीक। महाराज, मैं खुश थी, मुझे ये लगता था कि बेटा एक अच्छी कंपनी का मालिक बन रहा है, अच्छी बात है, कारोबार करेगा और आगे चल कर के अच्छा अच्छा काम करेगा। पर महाराज, बेटा बाहर गया, पैसे ले गया, कभी बात भी नहीं करता। कभी कभार मैं फ़ोन लगाती तो कह देता अभी मैं बिजी हूँ, अभी मैं मीटिंग में हूँ, मैं बात करता हूँ, मुश्किल से। एक रोज उसने मुझसे पावर ऑफ अटर्नी मांगी कि मम्मी बहुत जगह काम होता है, मुझे पावर ऑफ अटर्नी दे दे और जिस कोठी में मैं रहती थी वो मेरे ही नाम से था। उसने मुझसे कहा मैंने भी अपने पुत्र के मोह में ये सोचकर कि इसका अच्छा हो जाएगा, ये कुछ गलत नहीं करेगा, उसे मकान की पावर ऑफ अटर्नी दे दी, कोठी की पावर ऑफ अटर्नी दे दी। महाराज, मैं उस पल हक्की बक्की रह गई जब मुझे मालूम पड़ा, लोग आए और कहे कि ये मकान बिक गया है, अब आप इस मकान को खाली करें। महाराज जी, 40 वर्ष की पूरी गृहस्थी जिस मकान में भरी, उस मकान को बेच दिया। जैसे मैंने सुना बेच दिया, किसने बेचा, बोले आपके बेटे ने बेचा, ये डॉक्यूमेंट्स है। मैं हक्की बक्की रह गई, मेरे पांव तले जमीन खिसक गई कि मैं करूं तो क्या करूं, कहूं तो क्या करूं। और उस समय मुझे और दुख हुआ जब पता लगा बेटा यहां आकर मकान बेचा है और मुझसे मिले बिना चला गया। महाराज, मेरे पास कोई उपाय नहीं था, मकान बिक चुका था और मुझे घर खाली करना था। अब जो था जैसे था, मेरे एक परिचित ने मुझे सहारा दिया, मैं एक दो कमरे के मकान में किराए से रहने लगी, जो चीज़ें थी उसको औने पौने दामों में बेची, जितनी गृहस्थी मेरी मेरे घर के लायक थी वो रखी। महाराज, तब से मेरा मन फट गया, ये तो अच्छा है कि मैं पढ़ी लिखी थी, शिक्षिका थी, मुझे पेंशन मिलती, मेरे पति की पेंशन मिलती, पर महाराज मेरा कोई खर्चा नहीं, एक टाइम भोजन करती हूँ और मात दो रोटी खाती हूँ, इसके अलावा मेरा कोई खर्चा नहीं। मैं यही चाहती हूँ कि मेरा जो भी पैसा हो अच्छे काम में लग जाए। महाराज, मैं नियमित आपको टीवी पे सुनती हूँ, टीवी पे सुनती हूँ, और मैं वो रुपये लेकर आई हूँ, ये रुपये लग जाए। बंधुओं, ये तस्वीर है समाज की। हो सकता है ऐसे व्यक्ति का कोई संस्करण यहां भी हो, तुम्हारे बीच भी हो, तुम्हारे भीतर भी ऐसा बेटा हो। जन्म, मैंने पूछा तुम्हारे बेटे से फिर कभी कोई बातचीत हुई, बोले महाराज आज तक उसकी बातचीत नहीं हुई, आप तो आशीर्वाद दो वो जहां रहे खुश रहे और आप मुझे पढ़ूं संलेखना पूर्वक अपना सुधार कर सकूं। अब मेरे मन में किसी के प्रति न कोई शिकायत है न मोह। क्या दशा है,
पैसे की ही प्रमुखता आजकल मिलने लगी है, बाकी बातों को सब लोग गौण करने लगे, उसका ये कुपरिणाम सामने। अगर मैं घटनाएं सुनाऊं तो बहुत सुना सकता हूं, आए दिन ऐसी घटनाएं होती है। हो सकता आपके बीच भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसी परिस्थितियों को भुगत रहा होगा, लेकिन मैं केवल आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, भगवान के जन्म कल्याणक के दिन पहली बात जन्मदाता, जीवनदाता और संस्कार दाता को याद करो। जन्म और जीवन की दुर्लभता को समझते हुए अपने संस्कारों की वृद्धि करो। जन्मदाता, जीवनदाता, संस्कार दाता को हमेशा याद करो, उनके प्रति कृतज्ञता रखो, जितना बन पड़े उनकी सेवा शुश्रूषा से अपने उनको प्रसन्न करो, क्योंकि उनके उपकारों को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसा लिखा गया है कि इस धरती के समस्त रचकन और समुद्र के सारे जलकन को भी एकत्रित कर दिया जाए तो माता पिता के उपकार को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। फिर भी यदि करना चाहते हो तो चार उपायों से माता पिता के उपकारों को पूरा कर सकते हो। पहला, अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न रखकर, जो भी हो अपने जीवन की जितनी भी उपलब्धियां हैं उनका श्रेय उन्हें दो। कुछ भी उपलब्धि हो तो सबसे पहले उन्हें बताओ कि ये आपकी कृपा से मुझे मिला है, ये आपकी ही है, क्योंकि मैं आपका हूं। माता पिता को तब बड़ी तकलीफ होती है कि बेटा कुछ उपलब्धि पाता है और उसे उसकी सूचना गांव देता है, बेटे को फुर्सत नहीं कि माँ बाप को बता पाए। नहीं, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम कितने भी ऊंचे मुकाम पर क्यों ना पहुंच जाओ, सबसे पहले माता पिता को उसका श्रेय दो। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कितना उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया, जो व्यक्ति वर्षों से घर से बाहर रहा और प्रधानमंत्री के पद को प्राप्त कर लिया, लेकिन अंतिम सांस तक अपनी माँ को नहीं भूला, ये आदर्श है। अपनी सेवा से प्रसन्न रखकर, नंबर वन। नंबर दो, उनकी कीर्ति को बढ़ाकर, उनके यश को बढ़ाकर अपने जीवन में ऐसा कुछ करो जो माता पिता के सुयश को बढ़ा सके, उनके यश, उनकी प्रतिष्ठा के लिए जितना अच्छा कर सको करो। उनने मुझे बहुत कुछ दिया, अब मैं उनके लिए जो कर सकूं करो। तीसरी बात, उनके आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनकर, उनकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनो, उनके कल्याण का रास्ता बनाओ। तो अपनी सेवा से प्रसन्न रखकर, उनकी कीर्ति को बढ़ाकर, उनकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनकर और अपनी उपलब्धियों का श्रेय उन्हें प्रदान कर माता पिता के उपकारों को कुछ अंशों में पूरा किया जा सकता है, सब अंश में नहीं। यह आज आप रखे तो जन्म कल्याणक के दिन जन्मदाता, जीवनदाता, संस्कारदाता को याद करो, जन्म की दुर्लभता को याद करो, जीवन की दुर्लभता को याद करो और संस्कारों की दुर्लभता को याद करते हुए अपने संस्कारों को पुष्ट करो, संस्कारों के प्रवाह को आगे बढ़ाओ। तीसरी बात, जो संस्कार मुझे मिले हैं ये संस्कार आगे भी फलीभूत होते रहे। कब फलीभूत होगा? जब मैं उन्हें अपने जीवन में जीवंत रखूंगा। आपके संस्कार ही आपकी पीढ़ियों का मैं आएंगे, पीढ़ियां अनुकरण करती। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जो आज 75 साल के हो गए, उनका बेटा 50 साल का है। वो बोलते हैं, महाराज मेरा बेटा ऐसा है
कि कभी घर पर रहे और मेरे पैर ना दबाए, मेरे पैर में मोनोड्रम ना लगाए, पैर फटे हुए रहते, मालिश ना करे, तब तक वो सोता नहीं, सोता नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं होता। और बोला, महाराज मुझे तो प्रसन्नता होती, लेकिन मुझे तब और प्रसन्नता होती कि मेरे बेटे का अनुकरण उसके बच्चे करते हैं, जो काम मेरा बेटा मेरे साथ करता है बच्चे उसके साथ करते हैं। संस्कारों के प्रवाह को आगे बढ़ाने का संकल्प लीजिए, तब आप अपने जीवन को सार्थक बना पाओगे। जीवन को सार्थक बनाना है, यूं ही व्यर्थ करोगे तो सार्थक नहीं होगा। सही मार्ग पे आगे बढ़ो, जन्म की दुर्लभता को समझो, जीवन की दुर्लभता को समझो, संस्कार के प्रवाह को आगे बढ़ाओ और जीवन की नश्वरता को समझते हुए कल्याण के मार्ग में लगकर अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाओ। आज हम देख रहे हैं, भगवान ने जन्म लिया है, जीवन जिएंगे, संस्कारों को पुष्ट करेंगे और कल अपने आंखों से देखेंगे अपने जीवन को सफल बनाने के लिए वे दीक्षा धारण करेंगे। जीवन का उद्धार उसी में है। जीवन की सार्थकता किस में है? भवस्य सारम किम, इस जीवन का सार क्या है? किल व्रत धारण, व्रतों को धारण करना, दीक्षा को अंगीकार करना, संयम के पथ पर चलना ही जीवन का सार है जो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। यदि ये बातें हमारे जीवन में घटित हो गई तो हमारा ये पंच कल्याणक मनाना सार्थक होगा। हम अपने जीवन में उन बातों को घटित करें और जीवन की दशा परिवर्तित करें। अभी आप भगवान का जन्म कल्याणक महामहोत्सव पूरे उत्साह के साथ संपन्न करेंगे। अभी भगवान के जन्म कल्याणक का अभिषेक का जुलूस भी निकलेगा, शोभा यात्रा निकलेगी और आप पांडुक शिला में जन्माभिषेक करेंगे। और आज मौसम भी आप पर मेहरबान हो गया है, प्रकृति भी प्रफुल्लित है, इसलिए पूरे उत्साह के साथ आप इसका आनंद लीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। समय आप सबका हो गया है, इसलिए मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। आपके शेष कार्यक्रम समय पर पूरे हों। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।